हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से हो गए ना आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे सो so, अभी तक आपने स्टार्ट किया है या नहीं ट्रेडिंग करना आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अभी तक स्टार्ट भी किया है या अभी आप बस वीडियो ही देख रहे हो ओके okay. तो so, चलो आज का जैसा हमारा टॉपिक है कि कैसे हम हाउ टू मिनिमाइज लॉसेज इन ऑप्शन सो so, ये कोई क्लिक नहीं है चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं हम जिससे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं ट्रेडिंग में सो so, इसका एक ही सिंपल वे है इसको कम करने का कि हम टोटली रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें व्हाट डज इट मीन जो मैंने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि हम कभी भी अपने रूल के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करें जो भी हमारी एंट्री का रूल है जो भी स्टॉप लॉस का रूल है जो भी टारगेट का रूल है जो भी हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा रिस्क है वो ऑलवेज हम उतना ही लें हम कभी भी फियर में नहीं आए ग्रीड में नहीं आए ओके okay? सो so, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ प्रॉफिटेबल रहोगे ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ ये मैंने किया है मैंने भी स्टार्टिंग फेज में बहुत पैसे लूज किए हैं उसके बाद मैंने भी ये किया है एंड तभी मैं ये आपको बता रही हूँ तो आप इसको फॉलो करके देखो एक लॉट से आप इसको फॉलो करके कर देखो चलो ये तो बातें हो गई चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस सो so, देखो ये मैं ट्रेड टाइगर के पेज पे हूँ मेरा ऑप्शन चेन खुला हुआ निफ्टी का आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी सो so, अगर आप बिगनर हो ना तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फिर निफ्टी अभी मत ट्रेड करो काफ़ी वोला टाइल होता है वो चलो कॉल साइड हम लोग ओपन कर लेते हैं चार्ट उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके पुट साइड भी ओपन कर लेते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ना धीरे धीरे आई थिंक आपको अब आप समझ में आ रहा होगा कुछ बस आपने ट्रेड लेना स्टार्ट किया यानी ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी तो आप कमेंट करके बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है किस वजह से आप ट्रेड लेना स्टार्ट नहीं किए हो अगर नहीं किए हो तो एंड अगर आपने स्टार्ट किया है तो कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है ओके तो चलो देखते हैं ये आपको लाइन दिख रहा है ना यहीं से मार्केट स्टार्ट हुआ है मैं मार्क भी कर देती हूँ इस वाले कैंडल से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ है एक सेकेंड हाँ इस वाले रेड कैंडल कैंडल जो है इससे हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ था तो चलो हम देखते हैं कैसा रहा मार्केट का परफॉर्मेंस ट्वेंटी मूविंग एवरेज है उस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में देख ले फिर फिफ्टी मूविंग एवरेज पर मैं आपको दिखा दूँगी सो so, देखो एक ट्रेड यहाँ पे आया इस वाले कैंडल पे ऑन दिस कैंडल उसके बाद हमारी एंट्री भी हुई एंड देखो एक ऐसे वन इज टू टू इसका अचीव हुआ है और देखो, यही देखो यहीं ये एक और लर्निंग मैं आपको दिखा रही हूँ देखो अगर आप एग्जिट नहीं करोगे ना आप ग्रीड में रहोगे तो कैसे फिर हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं ये भी आप देख लो अगर मान लो आप, आप फियर में आप ग्रीड में रह जाते हैं यहाँ पर इस लेवल पर आपका टारगेट अचीव हुआ वन इज टू टू का अगर आप यहाँ पे नहीं एग्ज़िट करते ना यहाँ पे अगर आप एग्जिट नहीं करते तो देखो कैसे उसके बाद मार्केट ने टर्न किया एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता फिर सो so, आपको टारगेट पे एग्ज़िट करना भी ज़रूरी है स्टॉप लॉस हो तो भी एग्ज़िट करो टारगेट हो तो भी एग्जिट करो ओके okay? उसके बाद फिर कहीं पे भी ट्रेड नहीं आया उसके बाद साइडवेज हो गया मार्केट उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड आया वन सेकेंड तक क्लियर फॉलिंग नहीं है मूविंग एवेज़ का शेप ये देखो वो अलग बात है वो ट्रेड हमारा चला बट यहाँ पे देखो मूविंग एवेज का शेप उतना क्लियर फॉलिंग नहीं दिख रहा है सो हम ये ट्रेड छोड़ देंगे हमें पिक्चर परफेक्ट ट्रेड ही लेना है हमारा तो एक सिंपल सा रूल है सो हम ये ट्रेड छोड़ देंगे ये देखो ये ट्रेड चला अलग बात है बट हम इसको नहीं लेंगे उसके बाद मार्केट ही क्लोज हो गया सो so, आज आप देखो तो ऐसे भी मार्केट जो है एक रेंज में ही था ओवरऑल आज मार्केट जो है इसी रेंज में ही मार्केट ने बहुत बार और लिया यहाँ पे सपोर्ट लिया देखो वन टू थ्री यहाँ पे भी देखो वन टू उसके बाद मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा भी फिर अंदर आ गया उसके बाद थ्री यहीं से मार्केट फिर वापस आ गया सो आज साइडवेज मार्केट था कॉल साइड में तो हमने देख लिया चल ये सब ड्रॉइंग में रिमूव कर देती हूँ फिफ्टी मूविंग एवरेज पर मैं आपको दिखाऊँगी फिर चलो एक बार देख लेते हैं पुट साइड ये पुट का चार्ट है इसमें भी देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ऑन दिस कैंडल उसके बाद एक यहाँ पे हमारा बाई का ट्रेड बना अच्छा ट्रेड था बट हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हो पाई हम मैंने आपको बताया था ना कि हम टू थ्री कैंडल मैक्सिमम वेट करेंगे जो भी कैंडल पे ट्रेड आएगा उसके बाद टू या थ्री कैंडल्स तक मैक्सिमम हम एंट्री का वेट करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका हाई है नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर फ़ाइव है यहाँ पे आप देखना इसका हाई नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर फाइव है एंड इस कैंडल का हाई नाइन्टी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव है तो हम नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर फाइव इसका हाई है तो हम एक रुपये ऊपर एंट्री लेते हैं नाइन्टी सेवन पॉइंट फोर फाइव हमारी एंट्री होती सो हमारी एंट्री नहीं एंट्री कर इस केस में तो ये ट्रेड हमारा मिस हो गया अब देखो अगर आप नहीं आ, अगर आप थ्री कैंडल्स के बाद भी अगर अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे तो अननेसेसरी फिर आपका स्टॉप लॉस होगा सो ऑलवेज टू या थ्री कैंडल तक अगर आपका ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होता है ना जो भी बाई है तो आप फिर उसको कैंसिल कर देना ओके okay? उसके बाद यहां पे तो ये ट्रेड दूर है इस वाले कैंडल पे तो दूर है उसके बाद उस क्या देखिए ट्रेड था यहाँ मूविंग एवरेज देखो फ्लैट है आपको लाइव मार्केट में ऐसा ही दिखेगा ना ये देखो शेप यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज का फ्लैट है एकदम उसके बाद तो ये थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फाइव की ये कैंडल है तो इतने लेट तक तो हम ट्रेड लेते ही नहीं है तो ये ट्रेड तो वैसे भी हम छोड़ देते सो so, आज आ, ट्रेड का डे नहीं था हमारा आज कोई भी ट्रेड हमें नहीं दिखे ना कॉल साइड ना पुट साइड एक बार मैं क्विकली आपको फिफ्टी मूविंग एवरेज पर भी दिखा देती हूँ ओके okay, कॉल साइड एक एक शॉर्ट कट ट्रेड हमें दिखा रहा कॉल कॉल साइड एक आया शॉर्ट कट रेड पुट साइड कोई ट्रेड नहीं था हमारा चलो इसको 50 मूविंग एवरेज करके मैं आपको दिखा देती एक बार क्विकली मैं दिखा देती हूँ लोड हो रहा है एक सेकंड ना ये चलो लोड हो गया तो 50 मूविंग एवरेज पे देखो यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेड आया है देखो आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज करो नो से उससे फर्क नहीं पड़ता है आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक मूविंग एवरेज पकड़ो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक सिंगल लाइन जो है वही सफिशिएंट होती है आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सो so, यही है वो लाइन हमारे लिए यही है मूविंग एवरेज ही है हमारे लिए वो लाइन सो so, आप ट्वेंटी करो फॉलो या फिफ्टी करो इट डजेंट मैटर बस जो भी करो उसको कंसिस्टेंटली आपको करना है यहाँ पे देखो ये ट्रेड हमारा आया एक उसके बाद फिर एक सेकेंड ना ये थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं आया कॉल साइड फिर कोई ट्रेड नहीं आया पुट साइड भी एक बार देख लेते हैं हम लोग इधर भी फिफ्टी मूविंग एवरेज में लगा देती हूँ आप कमेंट करके बताना हम जानना चाहूंगी मैं आप लोग से आप लोगों ने ट्रेड लेना स्टार्ट किया है या नहीं किया है सो फिफ्टी मूविंग एवरेज पे देखो यहाँ पे एक ट्रेड आया बट यहाँ पे देखो जिस टाइम पे ट्रेड आया ना उस टाइम मूविंग एवरेज का शेप देखो हल्का राइजिंग दिख रहा है सो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे वो अलग बात है ये ट्रेड चला बट हम ये ट्रेड नहीं लेंगे हम एक जब पिट हमारा ट्रेड है उस टाइम पे हमें फॉली मूविंग एवरेज चाहिए सो पुट साइड भी आज कोई ट्रेड नहीं था सो so, आज ऑप्शंस में नो ट्रेडिंग डे था सिर्फ ट्वेंटी मूविंग एवरेज पे कॉल साइड में एक ट्रेड आया शॉर्ट का ट्रेड आया जो चला तो so, आप लोग ये भी बताना कि आपने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट किया है या नहीं किया ओके सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा एनालिसिस का आज का वीडियो एंड मैंने आपको बता दिया कि कैसे लॉसेस को कम करना है टोटली आप अपने रूल आप, आप आज का ना आप यही होमवर्क रख लो आप ना रूल लिखो अपने स्टेप बाय स्टेप अपना ट्रेडिंग प्लान लिखो अपनी कॉपी में कि आपको कितने का रिस्क लेना है क्या आपकी एंट्री होगी क्या स्टॉप लॉस होगी वो वो सब आप लिखो एंड उसको फॉलो करो अगर आप ये फॉलो रूल बेस्ड अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपके ऑलवेज़ लॉसेज मिनिमाइज होंगे आप सुनते हो ना बहुत लोगों से कि टेन लाख का लॉस हो गया फ़िफ्टीन लाख का लॉस हो गया क्योंकि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं वो लोग टारगेट पर एग्जिट नहीं करते हैं उन लोग का रिस्क नहीं डिफाइन होता है हमारे ट्रेड लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये ट्रेड अगर नहीं चला क्योंकि ट्रेडिंग टोटली प्रोबेबिलिटी का गेम है आपको भी पता है सो हमें पता होना चाहिए कि हमारा अगर ये ट्रेड नहीं चला तो हमारा कितना पैसा जाने वाला है ये हमें ट्रेड लेने से पहले बताना चाहिए यहीं पे रिटेल हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो है यहीं पे मिस्टेक करते हैं सो so, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो आपके लॉसेस बिल्कुल कम होंगे एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग